विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भोजन के स्वाद का आनंद हम ले सकते हैं क्योंकि हमारी जीभ स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ की स्वाद कलिकाओं में मौजूद ग्राही कोशिकाएं स्वाद की पहचान करती हैं। इनमें T1R समूह की ग्राही कोशिकाएं मीठे की पहचान करती हैं। ये कोशिकाएं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की शर्करा के प्रति संवेदनशील होती हैं। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि T1R को निष्क्रिय कर दिए जाए तो मीठे के प्रति संवेदना खत्म हो जाएगी, लेकिन 2003 में एक शोध के दौरान देखा गया कि चूहों में T1R के जीन को ठप करने पर भी उनमें ग्लूकोज के प्रति संवेदना में कोई कमी नहीं आई। इस खोज से पता चला कि चूहों और संभवतः मनुष्यों में मिठास की संवेदना का कोई अन्य रास्ता भी है। मीठे के नए रास्ते का पता लगाने के लिए टोक्यो डेंटल जूनियर कॉलेज के कीको यासु मत्सु और उनके सहयोगियों ने सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 यानी SGLT1 नामक प्रोटीन का अध्ययन करना शुरू किया। SGLT1 शरीर के अन्य हिस्सों में ग्लूकोज के साथ काम करता है। SGLT1 गुर्दों और आंत में ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए सोडियम का उपयोग करता है। ये काफी दिलचस्प है कि यही प्रोटीन मीठे के प्रति संवेदनशील स्वाद कोशिकाओं में भी पाया जाता है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने स्वाद कोशिकाओं से जुड़ी तंत्रिकाओं की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए ग्लूकोज और नमक के घोल को T1R ग्राही कोशिकाओं वाले बेहोश चूहों की जीभ पर रगड़ा, यानी इस घोल में SGLT1 की क्रिया के लिए जरूरी सोडियम था। पता चला कि नमक की उपस्थिति होने से उन चूहों की तंत्रिकाओं ने अधिक तेजी से संकेत भेजे जिनके T1R ग्राही ठप नहीं किए गए थे। जिन चूहों के T1R ग्राही ठप कर दिए गए थे और सिर्फ ग्लूकोज दिया गया था, उनकी तंत्रिकाओं का संप्रेषण धीमा था। गौरतलब है कि सामान्य चूहों ने भी चीनी नमक को ज्यादा तरजीह दी, लेकिन ऐसा केवल ग्लूकोज के साथ ही हुआ, सैकरीन जैसे कृत्रिम मिठास के साथ नहीं। शोध में यह भी सामने आया कि जो पदार्थ वे T1R विहीन चूहों में ग्लूकोज संवेदना को खत्म कर देते हैं, इससे ये पता लगता है कि SGLT1 ग्लूकोज की छिपी हुई संवेदना का कारण हो सकता है। संभावना है कि इससे T1R विहीन चूहों में ग्लूकोज की संवेदना बनी रही और सामान्य चूहों में मीठे के प्रति संवेदना और बढ़ गई। एक्टा फिजियोलॉजिका में शोधकर्ताओं ने संभावना व्यक्त की है कि शायद ये निष्कर्ष मनुष्य के लिए भी सही हो सकता है। शोधकर्ताओं ने मीठे के प्रति संवेदनशील 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया है। पहली 2 कोशिकाएं या तो T1R या SGLT1 का उपयोग करती हैं, जो शरीर को प्राकृतिक और कृत्रिम शर्करा में अंतर करने में मदद करते हैं। एक अंतिम प्रकार की कोशिका T1R और SGLT1 दोनों का उपयोग करती हैं और वसीय अम्ल तथा उमामी स्वादों यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को पकड़ती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इनकी सहायता से कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का पता लगाया जा सकता है।